बुधवार को नमामि गंगे ने गायघाट के गंगा तट पर स्वच्छता की अलख जगाई। सदस्यों ने गंगा किनारे की गंदगी साफ कर स्वच्छता की अपील की। राष्ट्रीय ध्वज, स्वच्छता स्लोगन लिखी तख्तियां और कपड़े के झोले लेकर पर्यावरण संरक्षण हेतु सिंगल यूज पॉलिथीन का उपयोग न करने का आग्रह किया। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे से सचेत करते हुए लोगों में मास्क का वितरण भी किया गया। साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्र से लोगों को जागरूक करते हुए नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि सदियों से जीवनदायिनी माँ गंगा के किनारे की स्वच्छता बहुत जरूरी है। पॉलिथीन ने हमारे पर्यावरण को गहरे जख्म दिए हैं। इसका उपयोग न करके हम पर्यावरण के सहयोगी बने। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के खतरे से हम बचे रह सकते हैं यदि हम स्वच्छता सहित मास्क का उपयोग करें, कोरोना के इलाज में कारगर टीका अवश्य लगवाएं। आज हमने गायघाट के गंगा तट पर कई प्रकार की गंदगियों की सफाई करके कूड़ेदान तक पहुँचाया है और लोगों से गंगा किनारे की स्वच्छता बनाने की अपील की है। साथ ही कपड़े के झोले वितरण कर लोगों से सिंगल यूज पॉलिथीन का उपयोग न करने की सलाह दी है। सिंगल यूज पॉलिथीन ने हमारे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। इस निमित्त हमने लोगों से आग्रह किया है, हजारों की संख्या में लोग यहां मौजूद थे, सबको यह बताया कि हमें कपड़े के झोले का उपयोग करना है। साथ ही जो कोरोना की तीसरी लहर आ रही है उससे हम लोगों ने सबको जागरूक किया है, लोगों को यह चेताया है कि अभी भी समय है, लोग मास्क पहने, जिन्होंने टीका नहीं लगवाया है, वैक्सीन नहीं लगवाई है उसको लगवा लें, स्वच्छता बनाए रखें, क्योंकि स्वच्छता ही सभी प्रकार की स्वास्थ्य के लिए उत्तम होती है और जब गंदगी रहती है तो बीमारी होती है। अब हम यदि स्वच्छता बनाए रखेंगे तो किसी भी बीमारी को दूर करने में हम सहयोगी बनेंगे। इसलिए हमने गायघाट के तट से स्वच्छता का संदेश दिया है, कपड़े के झोले देकर सिंगल यूज प्लास्टिक को न अपनाने का संदेश दिया है और साथ ही लोगों को कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए उपाय भी यहाँ अपील की है, सबको बताया है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।